हाइड्रोजन बॉन्ड से आप क्या समझते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के एग्जिस्ट करने के लिए कौन सी कंडीशंस सेटिस्फाई होनी ज़रूरी हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड के इम्पोर्टेंट इफेक्ट्स कौन कौन से होंगे। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर हम पढ़ेंगे कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर इसके एग्जाम्पल, फिर स्ट्रेंथ, फिर क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, और आखिर में क्या होगा हमारे पास, इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ एच बॉन्डिंग। तो पहले हम क्या बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई मैंने आपको बताया था कि जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो मोस्टली दो तरह के होते हैं प्राइमरली। एक तो कौन से होते हैं, प्राइमरी बॉन्ड, एक क्या होते हैं आपके सेकेंडरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड आपके क्या थे, तीन टाइप के मेनली, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड, वो हमने इस चैप्टर में पढ़ लिए ऑलरेडी, ठीक है। और जो हमारे पास सेकेंडरी इंट्रैक्शन होते हैं वो भी हमारे पास मेनली क्या होते हैं, तीन टाइप के। कौन कौन से, एक तो थे हमारे पास लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस, वो मैंने पढ़ ली है। दूसरी हमारे पास क्या थी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन थी, वो हमने पढ़ ली है। तीसरी हमारे पास क्या होती है, एच बॉन्डिंग। ये एक तरह की इंट्रामोलिकुलर फोर्स होती है, क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स। हालांकि ये इंटरमोलिकुलर भी हो सकती है क्या, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड से क्या ये अलग होंगी, आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है बात। ये तो ये मैं आपको बताऊँ, आपको एच बॉन्डिंग होती क्या है, तो मैं आपको बताऊँ एच बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का ही वेरिएंट होता है क्या, अगर हालांकि इसको, लेकिन आपको फिर उसको इसके अंडर क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी उससे काफी क्या हो जाती है, डिफरेंट। तो होता है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा स्ट्रोंगर, समझे बात। इसमें होता क्या है कि इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो किसी हाइड्रो, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एटम अगर किसी बहुत ज्यादा स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बाइंड कर रखा है क्या, फॉर एग्जाम्पल एच एफ है मेरे पास, क्या है एच एफ, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक हाइड्रोजन एक फ्लोरीन से क्या कर रखा है, बाइंड कर कोवलेंट बॉन्ड से, तो उस वजह से यहां पर इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो उस वजह से हमको पता है ये शेयर्ड पेयर कहां पर शिफ्ट कर जाएगा, फ्लोरीन की साइड, तो इस वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, यहां पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो वैसे ये मेरे पास एक और क्या हो मॉलिक्यूल एच एफ, तो यहां पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, समझे बात। तो ये भी एक डाइपोल, और ये भी क्या है, एक डाइपोल है, तो देखा जाए तो ये भी क्या एक तरह का डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ही है, ये नहीं आपको समझ में। लेकिन अगर यहां पर सीएल होता ना, क्या होता है यहां पर, ये सीएल होता तो इसको हम डाइपोल डाइपोल बोलते हैं, लेकिन फ्लोरिन है क्या ना यहां पर, क्योंकि फ्लोरिन का साइज बहुत स्मॉल होता है, तो फ्लोरिन का साइज स्मॉल होने की वजह से जो ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगा ये नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो क्या होता है एच बॉन्डिंग, तुम क्या बोलेंगे, एच बॉन्डिंग इज नथिंग बट ए सेकेंडरी इंटरेक्शन, क्या, सेकेंडरी इंटरेक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड एन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, समझे बात। तो ये एक तरह का डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ही है, क्या है, इट इज ए डाइपोल डाइपोल, इट इज ए सेकेंडरी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड एन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल एटम लाइक फ्लोरीन, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, आगे। तो इसमें उसमें कौन अंतर नहीं, बस अंतर क्या भाई, उससे स्ट्रॉन्गर हो जाएगा ये, आगे आपको ये, तो क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आसान है कि मुश्किल है, बताओ, नहीं आपको, अच्छा अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, फिर क्या हमारे पास है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर हमारे पास क्या भाई, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं भाई, जो एच बॉन्डिंग होती है ये दो तरह की होती है प्राइमरली, किन तरह की होती है,
एक होती है इंट्रामोलिक्यूलर और एक होती है इंटरमोलिक्यूलर। इंटरमोलिक्यूलर का मतलब क्या होता है? दो मोलिक्यूल्स के बीच में एच बॉन्डिंग। और एक होती है हमारे पास इंट्रामोलिक्यूलर, वो क्या होती है? एक ही मोलिक्यूल के अंदर क्या हो जाए, सेकेंडरी इंट्रैक्शन। जो एक जो जो कि ये सेकेंडरी इंट्रैक्शन है, अगर दो अलग अलग मोलिक्यूल्स के बीच में है तो क्या है? इंटर, नहीं तो क्या है? इंट्रा। फॉर एग्जाम्पल एच एफ का अगर मैं एग्जाम्पल हूँ, किसका? एच एफ। तो हमको पता है एच एफ में क्या होगा, ये तो क्या है? कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या है? कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन इस मॉलिक्यूल का बताओ भाई क्या, इस मॉलिक्यूल का फ्लोरीन और इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, ये मजबूत बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको इसको डॉट से दिखाओ तो ये क्या है? इंट्रा है कि इंटर है? इंटर मॉलिक्यूलर। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में यहां पर क्या है, यानी हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल का है और फ्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल का है ना? दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं गए, तो क्या बोलेंगे इसको? इंटरमोलिक्यूलर। समझ गए बात? लेकिन एक हमारे पास क्या होता है? इंट्रामोलिक्यूलर। अगर हाइड्रोजन भी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी, अगर हाइड्रोजन भी एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी, दोनों ही हमारे पास क्या हो बताओ, बोलो भाई, दोनों ही हमारे पास बताओ किसके हो? एक ही मॉलिक्यूल के। किसके हमारे पास भाई? सेम मॉलिक्यूल के अंदर से हम क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिक्यूलर। फॉर एग्जांपल आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, क्या? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। आपको हो गए ये कैसे भाई? तो ऐसे हो जाएगा बताओ, ये हमारे पास होता है बेंजीन रिंग, क्या होता है? और यहाँ पर आप क्या जोड़ दो? NO2, क्या? नहीं, यहाँ पर आप जोड़ दो OH, क्या जोड़ दो आप यहाँ पर? OH है। और यहाँ बेटा आपको जोड़ दो बताओ NO2, क्या जोड़ दो? तो N से बताओ क्या होता है, बताओ क्या हो जाएगा? नहीं आपको O, और ये क्या पॉजिटिव, क्या हो गया? नेगेटिव। नहीं आपको बताओ, तो N पॉजिटिव रही क्या हमारे पास? O नेगेटिव। और ये क्या है? तो यहां पर देखो O क्या होता है? इलेक्ट्रो, देखो ये तो कोवलेंट बॉन्ड, आपको यहां भी तो बॉन्ड है चोर O के बीच में, ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, ये तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बना है भाई। नहीं आपको, तो ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो क्या कोवलेंट बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? हाइड्रोजन बॉन्ड। नहीं आपको, एक तरह से सिक्स मेंबर रिंग नहीं बन रहा हमारे पास, एक दो तीन चार पांच और छह। नहीं आपको सुन, अरे बोलो भाई, हमारे पास एक तरह से क्या बन रहा है? सिक्स मेंबर रिंग बन रहा है, इजंट इट? मतलब हालांकि ये पूरी तरह असली कोवलेंट बॉन्ड नहीं, असली बॉन्ड नहीं है, ये जस्ट ये इंट्रैक्शन है, असली केमिकल असली बॉन्ड सिर्फ क्या एक अट्रैक्शन सा, इतना मजबूत नहीं जितना मजबूत ये बॉन्ड है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बताओ? इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। यहां पर भाई ओ भी उसी मॉलिक्यूल का और एच भी उसी मॉलिक्यूल का है। मेरे ख्याल से आपको पल्ले पड़ गया बात ये, नहीं आपको ये? फिर तो क्या हमारे पास, फिर हमने क्या पढ़ना इसका, एक सेकंड भाई, फिर हमारे तो क्या हुआ बताओ? फिर हमारे पास क्या है तीसरा पार्ट, हमारे पास क्या है? कंडीशन फॉर एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या आपको हो गए भाई? जब अगर ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ही है ना, तो इसको हम डाइपोल डाइपोल क्यों नहीं बोल देते? क्योंकि इससे मजबूत होता ही है, आपको हो गए। तो मजबूत का हमको कैसे पता लगेगा कि कौन सा डाइपोल डाइपोल मजबूत होगा, कौन सा डाइपोल डाइपोल वीक होगा? यानी जो डाइपोल डाइपोल ज्यादा मजबूत हो जाए उसी को हमने क्या बोलना होता है? एच बॉन्डिंग बोलना होता है। तो आपने दो कंडीशन चेक करनी होती है। डाइपोल तो SO2 के अंदर भी है, कहां पर है डाइपोल? तो है भी भाई, नहीं समझे बात? लेकिन यहां पर जो डाइपोल बने ना, उस डाइपोल में एक एटम H होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहां पर कौन कौन से हैं? O और S। यहां पर कौन से होने चाहिए? एक एटम पक्का H होना, तभी तो क्या बोलते हैं इसको? H बॉन्ड। समझे बात? पहले बताओ आपको क्या होना चाहिए, किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या अटैच होना चाहिए? एच, जैसे नहीं आपको? और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं, जो जिससे एच अटैच्ड है, वो स्मॉल साइज का होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो आपको? स्मॉल साइज का क्यों? आप ही बताओ, अगर मान लिया एक तो चीनी, एक तो एक चम्मच चीनी एक लड्डू में हो,
और एक चम्मच चीनी बात के लड्डू में और बड़े लड्डू में, तो मिठास ज्यादा कहाँ लगेगी? छोटे लड्डू में। नहीं समझे बात? तो सेम बात यहां पर है, एक तो उतना ही नेगेटिव चार्ज छोटे एटम के ऊपर हो और एक उतना ही नेगेटिव कहां पर हो? बड़े एटम के ऊपर हो। तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर नेगेटिव कहां बनेगा? ज्यादा नेगेटिव अट्रैक्शन कहां बनेगा? छोटे वाले के ऊपर। भाई नहीं बात आपको पले पड़ी? तो दूसरी कंडीशन क्या है कि दूसरा एटम क्या होना चाहिए? स्मॉल। तो पहली कंडीशन तो क्या है, डाइपोल में एक एटम क्या होना चाहिए? एच। और डाइपोल में दूसरा एटम क्या होना चाहिए? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बट स्मॉल। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों? ताकि वो एच से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच सके, तो क्या हो जाए, पार्शियल नेगेटिव हो जाए। और स्मॉल क्यों? क्योंकि नेगेटिव होने के बाद उसके पास क्या बने? तो इसीलिए हाँ, ज्यादा ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बने, चार्ज पर यूनिट एरिया क्या बने? ज्यादा बने भाई, नहीं तो क्या हो जाएगा, मिठास पर यूनिट एरिया थोड़ी रह जाएगी। चार्ज बड़े लड्डू के ऊपर क्या हो जाएगा? मिठास पर यूनिट एरिया कम नहीं जाएगी भाई, उतनी चीनी में। तो सेम बात पर आ गया आपको। इसका मतलब सिर्फ कौन शो कर सकता है? या तो एच के साथ कौन इन्वॉल्व हो? एन, एन एच टू। या कौन इन्वॉल्व हो? ओ एच ग्रुप हो। या क्या होगा? तो एच एफ टाइप क्या हो, यानी एच के साथ ओ हो, एन हो या एफ हो, ये तीन स्मॉल एटम होते हैं। सफिशियंटली क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होते हैं ये तीनों। सफिशियंटली क्या होते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव भी होते हैं और सफिशियंटली स्मॉल भी होते हैं। तो सिर्फ यही क्या शो करेंगे? एच बॉन्ड। बाकी शो, अब समझ गए बात, एच सील ने शो क्यों नहीं किया? वहां पर एच तो था एक एटम डाइपोल में, लेकिन दूसरा एटम डाइपोल का इलेक्ट्रोनेगेटिव था खूब, लेकिन स्मॉल नहीं था। आगे आपको, उस वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। नहीं है ना आपको ये? तो ये बताओ क्या है हमारे पास इसकी कंडीशंस। ओके, अब बताओ भाई एग्जांपल फॉर एच बॉन्डिंग। अब मैं आपको भाई इसके कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ एच बॉन्डिंग के, ठीक है। एक तो मैंने आपको बताया था एच एफ का, लेकिन अगर आप क्रिस्टल फेज में जाओ, कहाँ पर जाओगे? क्रिस्टल फेज में। तो पता है एच एफ की बॉन्डिंग कैसे होती है? ये पूछ रही थी मैं आपसे, यहाँ पर कौन है एच और यहाँ कौन है एफ, कौन है? तो एच एफ बॉन्ड है ये, नहीं आपको? एक सेकेंड बोलो भाई। नहीं नहीं नहीं, काम करो, यहाँ पर आप क्या लो F, यहाँ पर क्या लो आप F, और यहाँ पर क्या लो H, ले लिया। अब यहाँ पर क्या लो F, और यहाँ पर क्या लो H। तो यहाँ बताओ क्या होगा हमारे पास? H बॉन्ड, नहीं है आपको? अब ध्यान रखिए, ऊपर यहाँ पर और यहाँ पर कौन है हमारे पास? F I है ना, फिर यहाँ पर क्या होगा हमारे पास बताओ? बोलो बोलो भाई, यहाँ पर आ गया ना बोलो सी। अब यहाँ पर कौन आएगा? F, और यहाँ कौन आएगा हमारे पास? H, ठीक है। फिर कौन आएगा हमारे पास? F और H, ऐसे आएगा। तो देखो नजर आ गया आपको, तो आपको ये ऊपर और नीचे क्या नजर आ रही है बताओ? कोवलेंट H, कोवलेंट H इंट्रैक्शन, कोवलेंट बॉन्ड H बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्ड H बॉन्डिंग। तो इसको बनाने में ध्यान याद रखियो, पता लग जाए आपको पैटर्न कैसा होगा कि ऊपर और नीचे कॉर्नर पे क्या है बताओ? एक तरह से ये फ्लोरीन है, नहीं है आपको? बोलो भाई, क्रिस्टल फेज में से होगा ये, आ गया आपको? अच्छा, अगर मान लिया आपसे वाटर में पूछ ले, तो किसने पूछा आपसे बताओ? क्या वाटर में एच बॉन्डिंग होएगी? बिल्कुल, कैसे बताओ भाई? ओ एच, क्या? तो ओ नेगेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास? पॉजिटिव हो जाएगा ना, इजंट इट? तो एक और जो हमारे पास क्या होगा बताओ? बोलो भाई, हमारे पास नहीं आपको? अरे यहाँ पर अब क्या करो? O, H और H, इसका मतलब क्या हो जाएगा इससे? अट्रैक्शन, नहीं आपको? और O, H और H, नहीं आपको? ऊपर तो क्या होंगे इसके अट्रैक्शन, नहीं आपको? बोलो भाई, तो यहाँ पर तो क्या कर रही है इससे? अट्रैक्शन ही कर रहा है क्या? आसान है कि मुश्किल है? तो क्या हमारे पास? एच बॉन्डिंग। और अगर आपसे कोई अमोनिया में पूछ ले, तो अमोनिया में वहाँ भी होगी ना, अमोनिया में वहाँ बताओ कैसे होगी? मान लिया यहाँ पर कौन है N, ये कौन हमारे पास H, H और H, तो ये क्या होगा? पार्शियल, ये क्या होगा? पार्शियल, नहीं पार्शियल नेगेटिव ही होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर एक और क्या होगा हमारे पास? नहीं आपको? अरे बोलो भाई, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ क्या होगा हमारे पास? अट्रैक्शन।
नहीं आपको, तो ये भी क्या होगा, अट्रैक्शन, इजंट इट। और बताओ, एक आध एग्जाम्पल थोड़ा मोर बोल देते हैं। आर ओ एच, क्या आर ओ एच, अगर हम बात करें एल्कोहल की, किसकी भाई, एल्कोहल की, बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां कौन हमारे पास, आर ओ और एच हमारे पास, ठीक है। तो इस पे क्या आ जाएगा, ओ पे बताओ, ओ पार्शियल लिंक्ड आ जाएगा, एच पे बताओ क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहां बताओ क्या हमारे पास, ओ आर और एच, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन के लिए, इजंट इट। ये सब बताओ किसके एग्जांपल है, इसको ऐसे ही एक्सपेंड करते रहिए, ठीक है ना, ओके। अच्छा तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एच बॉन्ड होएगा, बताओ किसमें, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, आर सी डबल बॉन्ड ओ, बताओ ओ और एच, और एक और ले लो यहां पर आर, बताओ सी, बताओ डबल बॉन्ड ओ, और यहां क्या करो ओ एच, यहां बताओ यहां पर अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल होगा, ये अट्रैक्शन यहां होगा और ये अट्रैक्शन यहां होगा, नहीं आपको, तो क्या एग्जांपल एच बॉन्ड के, तो है तो एक तरह की डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ही, लेकिन उनके मुकाबले क्या है, ये स्ट्रॉन्गर है। तो एल्कोहल शो करेंगे, वाटर शो करेगा, नहीं समझे बात, अमीन शो करेंगे, नहीं आपको ये, ठीक है। अच्छा और क्या होगा हमारे पास, स्ट्रेंथ ऑफ, एग्जांपल आप पढ़ लिए, फिर क्या पढ़ना आपने कि एच बॉन्ड की भाई स्ट्रेंथ क्या होगी, तो मैं आपको बताऊं, जो एच बॉन्ड होगा ना, क्या ये कोवलेंट बॉन्ड से वीक होता है, कोवलेंट बॉन्ड की नॉर्मल एनर्जी होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हुई, ध्यान रखियो, एच बॉन्ड वंडरवाल से स्ट्रॉन्गर कौन होता है, सॉरी लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर कौन होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, और डाइपोल डाइपोल से कौन स्ट्रॉन्गर होता है, एच बॉन्ड, लेकिन है तो एक तरह का सेकेंडरी इंट्रैक्शन ये, और आपको पता सेकेंडरी इंट्रैक्शन प्राइमरी बॉन्ड से हमेशा क्या होते हैं, वीक होते हैं, इजंट इट, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं भाई, कोवलेंट बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी लाई करती है 209 से 418 किलो जूल पर मोल तक, क्या 418 किलो जूल पर मोल तक लाई करती है, लेकिन जो हमारे पास कौन से हैं, ये एच बॉन्ड, इनकी लाई करती है 12.6 से लेके 41.8 किलो जूल पर मोल की रेंज में, आ गया आपको। और मैं आपको भैया बताता हूँ कि जो एवरेज हमारी एनर्जी होगी, आपको हो गए इन में से स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा, एच एफ एन एच और ओ एच में, क्या मैंने आपको बता दिया, एक तो एच एफ ग्रुप बनाएगा एच बॉन्ड, एक तो एच एफ बनाएगा, एक एन एच ग्रुप बनाएगा और एक ओ एच ग्रुप बनाएगा, क्योंकि एच के साथ स्मॉल बट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाइंड होना क्या है, जरूरी है, यहाँ हमेशा ही दिख रहा था बेटा ये, तो वहां पर कौन कौन से एटम भाग ले सकते हैं बताओ भाई, तो मैं आपको तो एच एफ, क्या एच एफ बॉन्ड बनाएगा ना, जो एच और एफ एफ के बीच में, एच और कोवलेंट बॉन्ड नहीं, एच बॉन्ड मतलब ये एच किसी मॉलिक्यूल का है और ये एफ दूसरे मॉलिक्यूल का है, तो इनमें क्या बनेगा, हमारे पास एच बॉन्ड नहीं बनेगा क्या, तो इसका इसकी आएगी तकरीबन 41.8, एच और ओ के बीच में जो क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड नहीं, एच बॉन्ड मतलब ये एच तो क्या है एक एटम का और ये ओ क्या है दूसरे और किसी एटम का, जैसे कार्बोक्सिलिक नहीं आपको ये, इसकी बताओ बेटा होती है 29.3 किलो जूल पर मोल के आसपास, और एच और एन के बीच में एच बॉन्ड की होती है 12.6 किलो जूल पर मोल के आसपास। तो हमने क्या पाया, तो आपसे भाई पेपर में पूछ सकता है, पेपर में आपसे पूछ सकता है कि बताओ एच बॉन्ड आपसे पूछ ले, बताओ डाइपोल डाइपोल से स्ट्रोंगर है कि वीकर है, स्ट्रोंगर है, वंडरवाल से सॉरी लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस से स्ट्रोंगर है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, सेकेंडरी बॉन्ड है, सेकेंडरी इंट्रैक्शन है, एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ये होती है, नहीं आपको ये, और आपसे पूछ ले कि बताओ भाई एच एफ एन एच
और OH में से सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड किसका बनेगा? HF का। विक्र किसका बनेगा हमारे पास? इसको आप, इस ट्रेंड को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? क्योंकि ये सबसे क्या है, सबसे स्मॉलर कौन सा होगा? फ्लोरीन। नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी। और इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा कौन होता है? फ्लोर होता है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना स्ट्रॉन्गर एच बॉन्ड, जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना वीकर एच बॉन्ड। आ गया आपको ये? तो मेरे ख्याल से आप इनको आराम से पहले पढ़ लो, पढ़ लोगे ना। अब बताओ क्या हमारे पास भाई डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, क्या बोलो भाई? तो मैं आपको बताऊं भाई, अब हम पढ़ेंगे इनमें डिफरेंस एच बॉन्ड में और कोवलेंट बॉन्ड में मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस कौन कौन से हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं एच बॉन्ड, यहां पर हम लिखते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो पहला डिफरेंस तो क्या होगा, एच बॉन्ड कैसे बनता है बताओ? ये बनता है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, समझे बात? ये इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता है। ये किससे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यहां पर कोई शेयरिंग नहीं होती, ये होता है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, वो क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। दूसरा डिफरेंस क्या है? ये एक सेकेंडरी बॉन्ड है, सेकेंडरी इंट्रैक्शन। ये मेरे पास क्या है? एक प्राइमरी इंट्रैक्शन। तीसरा हमारे पास क्या होता है, इसकी रेंज क्या होती है? 12.6 से 41 पॉइंट समथिंग के आसपास होती है, है ना? अरे बोलो भाई। और वहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? एच एच बॉन्ड इवन 433, यानी कि 206 से लेके, अरे कहाँ गया, 209 से लेके तकरीबन 440-50 तक कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होते हैं भाई। यानी ये क्या होता है, काफी, ये काफी क्या होते हैं हमारे पास, मजबूत होते हैं। नहीं आना आपको समझ? ये अरे बोलो भाई, ये हमेशा कहां बनेगा? चौथा पॉइंट डिफरेंस का, ये कहां बनेगा बताओ? ये बनेगा हाइड्रोजन एटम और किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में। ये बनेगा एच एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद स्मॉल साइज के बीच में बनेगा, विच कैन ओनली बी एफ एच और एफ एन और ओ। लेकिन ये किसे बन सकता है? ये किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में बन सकता है, मतलब इनमें चाहे इवन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, कौन से भाई, उनमें बन सकता है। यहां पर H और दूसरे एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा होता है, यहां पर डिफरेंस हो भी तो बन सकता है, और डिफरेंस ना हो तब भी बन सकता है। एच टू में क्या बनता है? जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, तब भी क्या बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। HCl में क्या बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। आगे आपको ये? तो मेरे ख्याल से आपको भाई मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको पहले पढ़ गए। फिर क्या हमारे पास, इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एच बॉन्डिंग। अब आपने पढ़ना है भाई, तो आपने पढ़ लिया कि एच बॉन्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है, इसे काफी सारे, इसके आपने टाइप पढ़ ली, पढ़ लिया टाइप आपने इसकी। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई एच बॉन्डिंग के इफेक्ट कौन कौन से, ठीक है? तो इसको हम भाई वन बाय वन लेके चलेंगे, क्या? ठीक है। एक तो क्या होगा हमारे पास, ये डिसोसिएशन पैटर्न को तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा? ये डिसोसिएशन पैटर्न को किसी सॉल्वेंट के, जैसे HF होता है, क्या होता है हमारे पास? HF। आपको पता है HF का सेल्फ डिसोसिएशन होता है, कैसे बताओ? बताओ क्या होता है HF का, कि एक F नेगेटिव पॉजिटिविटी कहां पहुंच जाएगा बताओ? दूसरे के पास। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये एच एफ टू नेगेटिव और प्लस में क्या हो जाएगा? एच पॉजिटिव। नहीं आपको? बोलो भाई, मतलब ये एच पॉजिटिव और एफ नेगेटिव की बजाय बताओ क्या देगा? बताओ, एच एफ टू नेगेटिव और H पॉजिटिव, बताओ पहले पड़ गई, ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास क्या होता है, एसोसिएशन का इफेक्ट। क्या होता है H बॉन्डिंग का इफेक्ट? इससे अगर H बॉन्डिंग काफी अच्छी हो ना, तो इससे इवन बताओ बताओ क्या बन सकता है? इससे इवन आप मॉलिक्यूलर मास भी गलत निकाल सकते हो, किससे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड से। आप एक बार बताओ, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बताओ? CH3 C डबल बॉन्ड O OH होता होगा ना। तो कार्बन कितने हैं? दो, तो 24
ओ कितने हैं? दो। स्वरध्वनि 32। एच कितने हैं? चार। कितना आ गया? 24 और चार 32 और चार 36 और 24 60। कितना आ गया? 32 और चार 36 और 24 60 आ गया ना भाई। तो 60 इसका क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर मास। लेकिन अगर आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड से इसका मास निकालोगे ना कई बारी, तो पता कितना आ जाएगा इसका? 120। आपको ऐसे कैसे आ जाएगा? वो इसलिए आ जाएगा भाई क्योंकि ये एक डाइमर की तरह एग्जिस्ट करेगा। कैसे एग्जिस्ट करेगा? ये डाइमर की तरह। अगर आपको डाइमर क्या होगा, ये होगा कि CH3 बताओ COOH और क्या हो जाएगा? CH3 COOH और नहीं है आपको, तो एक तो यहाँ बन जाएगा H बॉन्ड और एक यहाँ बन जाएगा H बॉन्ड। तो एक H, तो यहाँ पर भाई ये दो मॉलिक्यूल ही आपस में H बॉन्ड बना के एक तरह से जुड़ नहीं रहे हैं, कोवल बहुत मजबूती से जुड़ रही है, लेकिन इतना मजबूती से पक्का जुड़ रहे हैं कि किसको धोखा दे दें? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड को, कि जिसे कि सिंगल मॉलिक्यूल है। हमको पता सिंगल मॉलिक्यूल ये नहीं है, लेकिन इतने इतना जरूर जुड़ रहे होंगे कि हमको मतलब एक्सपेरिमेंट में धोखा दे सकते हैं ये। और क्या लगेगा हमको? तो 30 इसका और सॉरी 60 इसका और 60 इसका 120 मास रिकॉर्ड हो जाएगा। तो एच बॉन्डिंग ना होती तो इसका मास कितना रिकॉर्ड होता? इसका ओरिजिनल मास रिकॉर्ड नहीं होता क्या? बताओ। अरे बोलो। ठीक है, और मैं आपको बताऊं भाई। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताऊं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या, जिनमें एच बॉन्डिंग हुई ना उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो क्या बहुत हाई होंगे। आपको पता आप डाउन द ग्रुप आते हो ना, तो जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। क्या होते हैं? मेल्ट, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो वन डर वाल फोर्सेज क्या होंगी? बढ़ेंगी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं भाई, अगर मैं वाले बॉइलिंग पॉइंट लिखता हूं, क्या मैं बॉइलिंग पॉइंट लिखता हूं, मैं अमोनिया का किसका? NH3 का, PH3 का, ASH3 का और SBH3 का। ठीक है, तो इनका आता बताओ, मैं आपको बताऊं भाई, बॉइलिंग पॉइंट आएगा 88। कितना आएगा? 88। ठीक है, ओके, नहीं नहीं इसका आएगा माइनस, इसका आएगा 240 केल्विन में, 240, 185, 218 और 256। बताओ क्या हो रहा है? बताओ क्या हो रहा है? तो देखो PH3 से लेके यहाँ तक तो क्या हो रहा है? ये रेगुलरली बढ़ रहा है ना, और हमको सब सब पता भाई क्योंकि हम डाउन द ग्रुप आ रहे, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो क्या होगा? बढ़ेगा ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमोनिया का एक्सेप्शनली क्या हाई नहीं है? इसका सबसे कम नहीं होना चाहिए था क्या? इसका ही कैसे हो गया अमोनिया का? यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ पर ही घट गया, यहाँ से यहाँ घट गया, तो यहाँ से और घटना चाहिए था ना, क्योंकि अमोनिया क्या शो करता है? एच बॉन्डिंग, नहीं आपको? और यहाँ है नहीं, यही ट्रेंड। अच्छा आपको पता है अगर हम हाइड्राइड की बात करें तो कार्बन वाले ग्रुप में एच बॉन्डिंग किसी में ही होती, कार्बन एच बॉन्डिंग नहीं करता ना, क्या करता है? तो देखो CH4 SiH4 और GeH4 और SnH4, यहां बताओ क्या रहेगा? 162, 112, नहीं सॉरी अरे माइनस की नहीं, 111, 161, 183 और 221। यहां पर रेगुलरली क्या हो रहा है बताओ? बढ़ रहा है ना। यहां पर एनोमली नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई मीथेन क्या नहीं करता? एच बॉन्डिंग नहीं करता। अगर आप यहां से यहां पर आओगे तो कुछ नहीं होगा, नॉर्मली घटता जाएगा ना। लेकिन N वाले केस में नहीं हुआ ना हमारे पास, लेकिन H2 वाले केस में देखो क्या, H2O वाले केस में देखो, किसमें? H2O मतलब हाइड्राइड, देखो ऑक्सीजन वाले ग्रुप के, किसके भाई? O वाले ग्रुप के। तो देखो H2O, H2S,
H2SC और H2TE, इनके हैं 373, 211, 231, 271। तो सबसे ज्यादा किसका है? इसका हाईएस्ट मास है इसका। यहां पर कम हो गया, यहां और कम हो गया, तो यहां पर तो और कम होना चाहिए था, बढ़ गया सीधा इसका। और यही पैटर्न कहां नजर आएगा आपको? HF में। नहीं समझे बात? HI से कम किसका होता है? HCl का, HBr का। HBr से कम किसका होगा? HI का। अब HI से कम किसका होना चाहिए था? HF का, लेकिन ज्यादा होगा, वजह H बॉन्डिंग। अगर आपको ये और ऐसे ही पैटर्न आपको कहां देखने को मिलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट में। नहीं है आपको? तो मेरे पास देखिए भाई, अगर H बॉन्डिंग हो तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे भी असर पड़ता है, वो नॉर्मल से बढ़ जाएंगे। आगे आपको ठीक है, समझ गया। और बताओ भाई, सोल्युबिलिटी क्या? सोल्युबिलिटी, अगर कोई कंपाउंड पानी में जाके सॉल्वेंट के साथ एच बॉन्डिंग कर लेता तो क्या होगा? बेटर सोल्यूबल। क्या हो जाएगा वो? बेटर सोल्यूबल होगा। नहीं है आपको? तो आप बताओ, शराब एल्कोहल पानी में क्यों मिल जाता है? क्या बताओ, एल्कोहल पानी में क्यों मिल जाता है? क्योंकि वहां पर क्या होता है? आर ओ एच होता है ना, तो इस पे क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव, इजंट इट? अरे बोलो भाई। और यहाँ बताओ क्या हमारे पास? एच नहीं। आपको इस पे क्या होगा? तो वाटर साथ क्या हो जाएगा? ये एच बॉन्डिंग हो जाएगी। नहीं आपको? अगर कोई एच बॉन्डिंग कर सकता है किसके साथ, तो हम क्या बोलेंगे? सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। अगर कोई सोल्यूट क्या कर सकता है? एच बॉन्ड कर सकता है किसके साथ? वाटर के साथ। नहीं आपको? अरे बोलो भाई। अमोनिया भी क्या इसमें सोल्यूबल है? क्यों? अमोनिया का नाइट्रोजन वाटर के हाइड्रोजन से एच बॉन्ड बना लेगा। आगे आपको ठीक है। अच्छा और बताओ भाई, और मैं आपसे पूछूं, वॉलेटिलिटी क्या? अरे बोलो भाई। अच्छा आप बताओ, सबसे ज्यादा, अच्छा अगर कोई बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होगा क्या होगा? बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होगा, ठीक है, तो उसको इवेपोरेट करने में कम हीट लगेगी ना? ज्यादा हीट लगेगी? ज्यादा वॉलेटाइल कोई चीज उसको इवेपोरेट करने में कम हीट लगती होगी ना? समझे बात? तो आपको पता है, अब अमोनिया, तो अगर हम बात करें तो वॉलेटिलिटी क्या होती है? अगर हम बात करूँ अमोनिया की, NH3 की, PH3 की, और कौन हमारे पास बताओ? ASH3 और SbH3। बोलो भाई। तो इनथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए थी? इसकी होनी चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या होंगे? मजबूत बॉन्ड। यहाँ पर क्या होंगे? मजबूत बॉन्ड होंगे। ज़्यादा मास हो ना, तो ज़्यादा क्या होता है? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझे बात? और उसको इवेपोरेट करने में ज़्यादा, क्योंकि इवेपोरेट करने मतलब क्या होता है? आपको एनर्जी दे के अलग अलग करना पड़ता मॉलिक्यूल को, नहीं समझे बात? तो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल कौन सा होना चाहिए? तो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल कौन सा होना चाहिए? NH3। यानी इसकी इनथैल्पी वेपराइजेशन कौन सबसे कम होनी चाहिए ना, लेकिन ये सबसे ज़्यादा होती है। वजह कि आपको पता है, एच बॉन्डिंग की वजह से। तो पैटर्न क्या होगा? तो इनथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का बताओ क्या पैटर्न होगा? PH3 से ज्यादा किसकी? ज्यादा ASH3 की, इसकी, और सबसे ज्यादा इसकी। वजह ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि सबसे मजबूत बॉन्ड किसका होगा? यहां पर एच बॉन्डिंग हुई ना भाई, एच बॉन्डिंग हो तो उसके मॉलिक्यूल को सेपरेट करने में क्या होगा? ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो इसकी वॉलेटिलिटी क्या सबसे कम हो जाएगी। ये सबसे कम क्या होगा? वॉलेटाइल। तो सबसे ज्यादा हीट लगे इसको एवेपोरेट करने में। नहीं आना आपको ये? ओके ठीक है। नहीं आना आपको ये? और मैं आपको बताऊं भैया, आप एच बॉन्डिंग के जरिए बात मालूम इस बात के ऊपर कमेंट कर सकते हो कि आइस हल्की होती है ना पानी से, और वो पानी के ऊपर तैरती होती है, आपको ऐसे कैसे होता है? तो ऐसे इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो एच बॉन्डिंग होती है ना, उससे वाटर क्या बनाता है? एक केज लाइक स्ट्रक्चर। क्या बनाता है?
केज लाइक स्ट्रक्चर। कैसे? मान लीजिए मेरे पास ओ है और ये क्या, इसके दो कोवलेंटली बॉन्डेड एच, और यहां बताओ क्या हमारे पास एक ओ और एक हमारे पास दो, यहां पर क्या है दो एच नहीं आपको। अब इसका ये एच इससे बताओ क्या बनाएगा एच बॉन्ड, और एक और वॉटर का एच इससे क्या बनाएगा एच बॉन्ड नहीं आपको। सिमिलरली जैसे इसका एच से बना रहा है तो ये एच किसी और वॉटर के एच से ओ से, और ये किसी और वॉटर के, इससे पता क्या होता हमारे पास एक टेट्राहेड्रल फ्रेम बन जाता है। क्या बनता हमारे पास ये टेट्रा, मतलब इस ओ के अराउंड ये जो दो कोवलेंट बॉन्ड नहीं है ये अगर ऐसे है ना तो दो एच बॉन्ड कैसे बने हुए हैं ऐसे, नहीं समझे बात। तो इससे क्या हो जाएगा पता आपको, इससे इसकी एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी और ये बॉन्ड्स में क्या जाएगी डायरेक्शनल नेचर, क्या जाएगी डायरेक्शनल नेचर। ओके अब अच्छा आप मुझे बताओ, अगर मान लिया आपके पास बहुत सारी तिल्ली है माचिस की, क्या उनको आप एक ही डायरेक्शन में रखते हो तो कम जगह घेरेंगी ना, लेकिन आप जो तिल्ली है उनको उलट पुलट के रखोगे तो ज्यादा वॉल्यूम नहीं घेरेंगी। जैसे लकड़ियां होती हैं, लकड़ियों को अगर हम क्या करें बोलो भाई काट के और ऐसे रख देते हैं तो वो थोड़ी वॉल्यूम घेरेंगी, नहीं तो लकड़ियां क्या करती हैं ऊपर से डाल दी वैसे रैंडमली तो ज्यादा जगह नहीं घेरती क्या। एक पेड़ है उसे काट दिया तो उसकी डालियां खूब सारा स्पेस नहीं घेर रही क्या, नहीं समझे बात, क्योंकि वहां पर कोई डाली इस साइड है कोई डाली इस साइड है कोई इस साइड कोई साइड नहीं, बात आपको पहले पड़ी तो खूब सारा स्पेस घेर रही है। लेकिन उसी पेड़ को काट के लकड़ियों को और एक ही दिशा में लगा दें तो वो कम स्पेस नहीं घेरती क्या, पता होगा ना आपको इस चीज़ का। तो सिमिलरली अगर ये बॉन्ड्स अलग अलग दिशा में हो गए तो इससे वॉल्यूम क्या होगी फिर इसकी बढ़ जाएगी, इससे बताओ फिर क्या हो जाता है, बताओ क्या होता है डेंसिटी घट जाएगी ना। इसीलिए आइस क्या होती है हल्की होती है किससे वाटर से, क्योंकि वाटर में जो एच बॉन्ड है ये डायरेक्शनल नहीं होते, क्या नहीं होते ये, यहाँ पर एच बॉन्ड में क्या जाएगी डायरेक्शनल बिहेवियर आ जाएगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उससे वॉल्यूम क्या हो जाएगी बड़ी डेंसिटी क्या हो जाएगी घट जाएगी नहीं आपको। एक पेड़ की डालियाँ अलग अलग दिशा में होती हैं तो वो क्या होती हैं ज़्यादा गिरती हैं, और उनको एक दिशा में काट काट के रखते हैं तो नहीं बता पल पड़ी, तो सेम बात यहाँ पर होती है आ गया आपको। इसलिए आपको पता आप जब पानी क्या करते हो फिर, इसलिए जब आप आइस क्या करते हो गर्म करते हो ना, क्या कहते हो आइस कहूँ तो 273 क्या पे आपको पता है ना वो मेल्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी वो मेल्ट हो जाएगी, लेकिन यानी उस लेकिन तब भी उसको फिर एक काम करो और गर्म करो तो 277 तक ये डायरेक्शनल कैरेक्टर खत्म होता जाएगा। इसीलिए 277 केल्विन पे आइस की पानी की मैक्सिमम क्या होती है डेंसिटी, नहीं आपको सबसे ज्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर कहां पर होता है आइस बनने के बाद, और वो कम होता जाएगा क्या, नहीं बता आपको पहले पड़े नहीं बता आपको, लेकिन पानी बनने के बाद भी डायरेक्शनल मतलब वो कोलैप्सिंग होती रहेगी इसके एज की, क्या होती रहेगी इसकी कोलैप्सिंग होती रहेगी, और सबसे ज़्यादा कम वॉल्यूम कहाँ होगी हमारी 277 केल्विन पे, इसमें यानी 273 यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी सबसे डेंस होता है। उससे ज़्यादा आपने क्या किया गर्म किया ना तो फिर उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगा फिर पानी क्या होगा एक्सपेंड होने लग जाएगा, नहीं समझे बात। तो 4 डिग्री सेल्सियस तक बर्फ को 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर तो वॉल्यूम घटती है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स का डायरेक्शनल कैरेक्टर लूज होता है, नहीं बात आपको पहले पड़ी बोलो भाई। इसीलिए सबसे मोस्ट डेंस पानी कहाँ पर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद फर्दर गर्म किया ना तो डायरेक्शनल कैरेक्टर पूरी तरह खत्म हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब पूरी तरह खत्म है मुझे पता नहीं भाई, लेकिन चेक कर लियो ठीक है बात, लेकिन डायरेक्शनल कैरेक्टर काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर वो फिर पानी एक्सपेंड करता है हल्का हल्का, वो आपको पता क्यों, आप लोहे को भी गर्म करते हो क्या करता वो फैलता नहीं क्या, तो मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ पर होगी इसकी 4 डिग्री सेल्सियस पे, नहीं आपको ओके। तो मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया,
नहीं आपको, और ध्यान रखियो ये सारे के सारे इफेक्ट बताओ किसके लिए थे, इंटरमोलिक्यूलर के लिए, किसके लिए थे, इंट्रामोलिक्यूलर के लिए, इन सभी फैक्टर्स को अपोजिट कर दियो, क्या कर दियो, नहीं वो तो आपको पहले पड़ी, कैसे, इंटरमोलिक्यूलर से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं तो इंटर से क्या घट जाएंगे, क्योंकि वहां पर तो एक ही मोलिक्यूल के अंदर है। आ गया आपको ये, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।